It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on An Academy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from any time and from anywhere. Hello everyone, myself Divakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering. And today I will be discussing about the COAP process. मतलब GATE result आने के बाद COAP का क्या क्या process रहता है और मतलब कैसे आपको M.Tech की seats मिलती है उस बारे में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को. और यार सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही GATE का result आता है तो सारी IITs अपने अपने मतलब forms निकालती हैं, तो सबकी अपनी अपनी वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है और COAP के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है. तो जब फॉर्म्स जब IITs भरवा रही होती हैं तो आपके मतलब डिग्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके मतलब 10th 12th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब वहाँ पे सबमिट करने होते हैं और अपना GATE स्कोर और अपनी प्रेफरेंसेस जो भी आपको ब्रांच चाहिए जो भी स्पेशलाइजेशन चाहिए वो वहाँ पे मतलब आपको सबमिट करना पड़ता है. और उसके बाद वो आपसे आपका COAP नंबर ले लेते हैं, मतलब वहाँ पे वो COAP नंबर भी फिल करना पड़ता है आपको. सबसे पहले क्या करना होता है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है COAP पे और वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है. वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर हर IITs की वेबसाइट पे मतलब जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे देना होता है. और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मतलब GATE का रिजल्ट आते ही उसके 10 से 15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले वैसे IISc बेंगलोर जो है वो अपना फॉर्म्स निकाल देता है, वो GATE के रिजल्ट आने से पहले ही निकाल देता है. और उसकी लास्ट डेट जो होती है GATE के 5 या 10 दिन बाद की होती है. तो यार
इस बार क्या हुआ था कि मतलब रिजल्ट आया था 19 को, शायद 19 मार्च को रिजल्ट आया था, और आईसी बेंगलोर की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च थी। तो इतना ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला मुझे भी कि मतलब कौन सी स्पेशलाइजेशन ली जाए और कौन सी भरी जाए, मतलब किसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, ये भी मैं जानने का मतलब इतना ज़्यादा मौका मिल नहीं पाया। तो आईसी बेंगलोर का मैंने क्या किया, मैंने फटाक से मतलब सबसे पहले उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई बड़ी भरी थी मैंने, और सेकंड चॉइस मैंने भरी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और थर्ड चॉइस मैंने भरी थी सिग्नल प्रोसेसिंग, फोर्थ मैंने भरी थी कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, और फिफ्थ थी मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये पांच चॉइस मैंने भरी थी। मैंने गलती क्या करी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में भर नहीं पाया, मतलब मुझे उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे गेट रिजल्ट के बाद कि मतलब ये कैसी ब्रांच होती है। एक्चुअली ये भी एक एनालॉगस ब्रांच है वीएलएसआई की, तो ये मतलब ज़्यादातर लोगों को मिली गई थी। और इसमें क्या रहता है कि यार आईसी बेंगलोर में मतलब हर स्पेशलाइजेशन के लिए क्राइटेरिया अलग है, मतलब एडमिशन आपका अलग तरीके से होगा। जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी उसमें आपको मतलब गेट स्कोर तो था ही, साथ में कैम भी था, करियर एनालिसिस मार्क्स, मतलब उसमें आपके 10th 12th और बीटेक के मार्क्स भी देखे जा रहे थे। उसका 40% वेटेज था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। और जो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस था उसमें आपका पहले एक टेस्ट होना था, उसके बाद इंटरव्यू था उसमें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऑनलाइन टेस्ट था, तो अगर ऑनलाइन टेस्ट पास होता है तभी आप मतलब आगे जाते हो। खैर कॉल जो आई थी मतलब वो काफ़ी सारे लोगों को आई थी, ऑल इंडिया रैंक मतलब 400 के आसपास तक भी कॉल आई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ या फिर मैं कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस की बात करूँ तो इतनी भी आई थी। वेटेज शायद 70% था गेट स्कोर, 30% आपका मतलब AI में तो टेस्ट का था 30%, और CDS में टेस्ट प्लस इंटरव्यू, तो ये सब था। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया और लास्ट डेट ख़त्म हुई आईसी बेंगलोर की, तो उसके 15 दिन बाद ही टेस्ट था। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको फिर मतलब एडमिट कार्ड मिल जाता है, और ऑनलाइन टेस्ट था वो, मतलब ज़्यादा देर का नहीं था, आधा घंटे 1 घंटे का टेस्ट था, और 30 क्वेश्चन के करीब थे उसमें। AI के टेस्ट में 100 क्वेश्चन थे और CDS के टेस्ट में 30 क्वेश्चन के आसपास ही थे शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन शायद 30 के आसपास ही थे। उसमें डाटा स्ट्रक्चर ही पूछा गया था AI में भी, मतलब कोडिंग बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा खास नहीं था, और CDS के टेस्ट में भी कोडिंग ही ज़्यादा थी मतलब मेन। उसके बाद मैंने IIT बॉम्बे का फॉर्म भरा था, और IIT बॉम्बे का फॉर्म मतलब IIT देखो IIC बेंगलोर में तो दोनों स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते थे, IIT बॉम्बे में दोनों स्कोर कार्ड यूज़ नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे मैंने IIN का स्कोर कार्ड अपना यूज़ किया था, क्योंकि मेरे IIN में 915 ही मेरा गेट स्कोर है और इलेक्ट्रिकल में 865, तो IIN का मैंने वहाँ पर फिल किया था IIN के थ्रू। उसके बाद IIT दिल्ली में था कि दोनों स्कोर कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, तो मैंने IIT दिल्ली का फॉर्म जो फिल किया था वो दोनों स्कोर कार्ड को यूज़ करते हुए फिल किया था। और उसमें यार IIT दिल्ली में क्या होता है कि मतलब एक तो आप अपने डिपार्टमेंट का भर सकते हो, उसमें आपको 5 चॉइसेस देनी होती है, कंसीडर 3 की जाती है मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद एक अलग से फॉर्म भी उसमें भर सकते हैं मतलब इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, सेम स्कोर कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच में मैंने फिल किया था VDTT, मतलब VLSI डिज़ाइन टूल एंड टेक्नोलॉजी एक कोर्स है, मतलब एनालॉगस है IEC के, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि स्पॉन्सरशिप का रहता है कि मतलब ये स्पॉन्सरशिप आपको स्पॉन्सर किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज जो होती हैं VLSI की वो स्पॉन्सर करती है, तो इसमें 5 या 6 स्टूडेंट्स ही होते हैं। और जो मेरा IEC है मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, उसमें भी 14 के आसपास लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है। तो उसके बाद ये था कि जब COP का मतलब उसके बाद COP के मतलब अपने ऑफर इस बार तो क्या था कि डायरेक्ट गेट स्कोर से ही था, पहले क्या होता था कि मतलब टेस्ट भी होता, मतलब इंटरव्यू भी होता था उसमें, कहीं कहीं पे टेस्ट भी होता था, कहीं कहीं इंटरव्यू भी होता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से इतना मतलब रिलैक्स था कि डायरेक्ट गेट स्कोर पर ही चीज़ें हो रही थी, तो इंटरव्यू का इतना ज़्यादा सीन नहीं था कुछ। तो उसके बाद फिर COP अपने ऑफर्स मतलब दिखाना शुरू करता है, और पहला ऑफर्स 28 मई के आसपास था, मतलब डेट पूरी COP की वेबसाइट पे पूरा जैसे आप देखते हैं ना JEE मेंस के टाइम पे कि वहाँ पे ऑफर्स के लिए मतलब राउंड 1 का ऑफर, राउंड 2 राउंड 3 इस तरीके के ऑफर्स आते थे, तो सेम ऐसा ही COP में भी होता है कि राउंड 1 का ऑफर आएंगे पहले, फिर राउंड 2 राउंड 3 और राउंड 4, और गैप होता है 4-5 डेज का बस,
और डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास 2 या 3 डेज होते हैं, वैसे 2 डेज आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं। तो मेरा राउंड 1 का ऑफर आया और उसमें मुझे ISC बेंगलोर से था सिग्नल प्रोसेसिंग, IIT बॉम्बे से मुझे था पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग मैंने नहीं भरा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का था वहाँ से, और IIT दिल्ली से था मुझे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, और यही था मतलब। साथ ही साथ मैंने IIT खड़गपुर, IIT कानपुर के फॉर्म भी भरे थे, तो वो उनकी भी मतलब टॉप चॉइस मुझे मिल गई थी, लेकिन वो मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिए थे। तो उसमें ये रहता कि अगर आप फर्स्ट राउंड में मतलब एक ही ऑफर आप चूज़ कर सकते हो, एक ही ऑफर को आप या तो रिटेन एंड वेट कर सकते हो, एक्सेप्ट और फ्रीज कर सकते हो, या रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हो। मतलब रिजेक्ट एंड वेट में ये रहेगा कि आप ऑफर को रिजेक्ट कर दे रहे हो जितने भी ऑफर आए हैं सारे, उसके बाद आप आगे के राउंड्स के लिए मतलब देख रहे हो, आपकी आपने आगे भी कुछ मतलब प्रायोरिटीज़ भरी होंगी अपनी IITs के फॉर्म्स में, तो वो अगर आपको मिलेंगी तो वो नेक्स्ट राउंड में मिल जाएंगी, लेकिन जो अभी मिला था वो दोबारा नहीं मिलेगा। रिटेन एंड वेट में ये होता है कि जो आपने ऑफर रिटेन एंड वेट किया है बस वही आपके पास रहेगा नेक्स्ट राउंड में, बाकी सब जो आपके मिले थे ऑफर वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो फिर बाकी लोगों को मिलता है। तो मैंने उसमें ISC सिंगलर प्रोसेसिंग को मेरे में क्या था कि पहले IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे का ऑफर दिखा नहीं रहा था, क्योंकि वो IN के स्कोर कार्ड से था, तो कुछ ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच। तो मैंने ISC बेंगलोर का सिग्नल प्रोसेसिंग रिटर्न एंड वेट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे ईमेल आया IIT बॉम्बे की तरफ से, IIT दिल्ली की तरफ से, कि ये कोर्स मेरे को भी मिले हैं। तो मैंने फिर ईमेल किया IIT दिल्ली को कि मतलब मेरे ऑफर्स शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे ईमेल आया, तो उन्होंने फिर मतलब रिप्लाई किया था आधे एक घंटे के बाद ही कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आप कल आके इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे फिर वो ठीक हो गया था, और नेक्स्ट डे फिर मैंने IIT दिल्ली का IEC मैंने रिटेन एंड वेट के लिए किया था। खैर सेकेंड राउंड का जब आया तो उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं था, IIT बॉम्बे की तरफ से भी कोई अपग्रेडेशन नहीं था, और IIC बेंगलोर तो खैर रिजेक्ट ही कर चुका था मैं, तो वहाँ पे भी कोई अपग्रेडेशन नहीं था, और बाकी IITs की टॉप प्रायोरिटीज़ को मैं कर चुका था, तो कोई भी वहाँ पे भी अपग्रेडेशन मुझे नहीं मिला। सेकेंड राउंड में मेरे पास सेम ऑफर था, मैंने फिर से रिटेन एंड वेट किया। थर्ड राउंड में क्या हुआ कि मुझे IIT बॉम्बे की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का मतलब मिला था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, और ये भी एनालॉगस ब्रांच होती है RVLSI की, और IEC था मेरा IIT दिल्ली का। तो अब मेरे पास ये था कि अगर मैं IEC को अगर रिटेन एंड वेट मतलब रिटेन एंड वेट नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ 2 ही बार रिटेन एंड वेट का आप यूज़ कर सकते हैं एक ऑफर के ऊपर, तो अब IEC को तो नहीं रिटेन एंड वेट कर सकता, उसको या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा या रिजेक्ट एंड वेट करना पड़ेगा। IIT बॉम्बे को मैं रिटेन एंड वेट कर सकता था, तो फिर मैंने काफ़ी मतलब पहले से मैं सोच के बैठा था कि IIT बॉम्बे को मैंने ईमेल भी किया था कि हॉस्टल के लिए, कि हॉस्टल नहीं मिल रहा था वहाँ पे, तो मैंने ईमेल भी किया था कि क्या हॉस्टल का मतलब कुछ हो पाएगा क्या, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ, पहला सेमेस्टर ऑनलाइन है, सेकंड ऑफलाइन हो सकता है, तो मतलब तब वो देंगे कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं देंगे, तो मैंने फिर IIT बॉम्बे का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, फिर मैंने IIT दिल्ली का IEC एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया था, वहीं पर मेरा ख़त्म हो गया था। मतलब फिर उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है बस, और मतलब IIT दिल्ली की तरफ से आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, और वो फिर फ़ी पेमेंट करनी होती है, उसमें एक लिंक दिया होता है, और उसके बाद आपको फिर मतलब ओरिएंटेशन वगैरह के लिए आपको फिर मेल आने चालू हो जाते हैं, ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है बस COP का, जो आप MTech एडमिशन का रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, लेट्स क्रैक इट।